हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे क्लास 10th अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन क्या है? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य √5/3 और −√5/3 हैं, तो हमारे इसके दो शून्य दिए गए हैं और बाकी शून्य हमको ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे? तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? दिए गए शून्य क्या है हमारे? दिए गए शून्य शून्य हैं, तो हम मान लेंगे एक्स बराबर क्या है? √5/3। एक है हमारा एक्स बराबर −5/√3। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, एक्स को इस साइड ले आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स ये प्लस का है तो इस साइड आएगा, तो माइनस को हो जाएगा, तो माइनस का √5/3। ठीक है, इसको कोष्टक में रख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी रख लेंगे कोष्टक में, एक्स को इस साइड ले आएंगे, तो एक्स माइनस का है तो इस साइड आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? 5/3। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा कर देंगे, तो आप देख रहे हैं एक्स माइनस, एक बार दोनों सेम है, ये चिन्ह भी बदले हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, कौन सा? हम जानते हैं सूत्र से। ठीक है, लिख देंगे सूत्र से a-b × a+b बराबर हमारा क्या होता है? a² - b² ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 में। ठीक है, तो इसको हम ये सूत्र से लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? a की जगह हमारा x है, तो हमारा x² आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, तो हम √5/3 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? स्क्वायर कर देंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x², ये स्क्वायर से हमारा ये रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5/3। ठीक है, अब हम 3 को क्या करेंगे? 3 इसको हर से हमको हटाना है। ठीक है, हमको एक बहुपद बनाना है। ठीक है, तो इसको हम 3 को यहाँ गुणा कर देंगे, 3x² - 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा दिया था दूसरा बहुपद, ये तो इसमें हम इसको, ये हमने इसमें हम इसको भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें ये हमारा क्या आ गया? मान लेंगे ये हमारा भाजक आ गया, भाजक हमारा भागफल, भाग क्या है? भाग गया हमारा कितना? 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो इसको हम इसमें भाग दे देंगे। किस तरह से करेंगे? इसको हम भाग दे देंगे, तो हमारा भाजक क्या है? 3x² - 5, ये हमारा भाजक है। अब हमारा भाग क्या है? 3x घात 4 प्लस 6x घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसमें हम इसको भाग दे देंगे, तो क्या करेंगे? पहला पद देखेंगे इसका और इसका, तो क्या करेंगे इसमें? 3x घात 4 ये रफ में हमको करना है। ठीक है, 3x घात 4 / 3x² ये वाला हम स्क्वायर बटे में करेंगे। ठीक है, इससे हम काट देंगे, तो क्या बचेगा हमारा? x². ठीक है, तो x² हम ऊपर रखेंगे, ये हमको इससे भाजक ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, भागफल, भागफल जो आएगा तो उससे हम क्या करेंगे? अन्य शून्य निकाल लेंगे, तो हमारा x² आ गया, तो x² का हम क्या करेंगे? इसमें पूरे में गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे?
थ्री एक्स की घात क्या आ जाएगी, चार, माइनस पाँच में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस पाँच एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या है, छः एक्स क्यूब, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो पाँच में दो गया तो कितना आ जाएगा, प्लस का हमारा बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस पाँच, ठीक है। अब हमारा क्या है, छः एक्स क्यूब फिर से भाग देंगे तो क्या करेंगे, छः एक्स क्यूब का अब थ्री एक्स स्क्वायर में काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर से एक कट जाएगा तो एक्स बचेगा, तीन से काटेंगे तो दो, तो हमारा टू एक्स बचेगा। तो ऊपर हम क्या जोड़ देंगे, टू एक्स, ठीक है, टू एक्स जोड़ देंगे। अब टू एक्स का हम इसमें पूरे भाग गुणा करेंगे तो तीन दूनी छः एक्स दो एक तीन, ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या आएगा, पाँच में गुणा करेंगे तीन दूनी पाँच दूनी दस, दस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे दस एक्स, तो माइनस का आएगा तो माइनस का दस एक्स, ठीक है, ये हमको काट देंगे। अब यहाँ का घटा देंगे तो पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस का यहाँ प्लस का, तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बचा थ्री एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कट जाएगा, तो माइनस का हमारा पाँच आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या करना है, अब फिर ये हमको भाग देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर ये वाला और ये भी थ्री एक्स स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो हम बचा कितना, एक ही बचेगा, तो हम ऊपर क्या करेंगे, भाग पर में एक जोड़ देंगे। अब एक का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पाँच। अब इसके हम चिन्ह बदल देंगे तो माइनस ये प्लस का, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये तुम्हारा शेषफल क्या आ गया, जीरो, ठीक है, हमारा शेषफल क्या आ गया, जीरो। तो हम भाग फल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तुम्हारा भाग फल क्या आया है, भाग फल क्या आया है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इससे हम क्या निकालेंगे, शून्यक, ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो एक एक हम एक, एक को हम ऐसा क्या करें कि दो आ जाए, ठीक है, तो एक गुणते एक, ठीक है, एक गुणते एक, एक एक को जोड़ देंगे तो दो आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसमें हम एक्स कॉमा कर लेंगे तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, यहाँ प्लस वन कॉमा कर लेंगे तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, ये सेम है, तो हम एक्स प्लस वन एक कोष्टक में लिख लेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको शून्य ज्ञात करने हैं तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा माइनस वन, ठीक है, एक हमारा शून्य का आ गया। इसी प्रकार एक्स प्लस वन बराबर भी जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर भी माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे दो शून्य का आ गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे, हम लेंगे अतः अन्य शून्यक माइनस एक और माइनस एक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।